नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लम्बा, मेरे सहयोगी प्रिंस लम्बा के साथ। लगभग 50 दिन से पगड़ी समाल जट्टा द्वारा पक्का मोर्चा लगाया लगी स्वच्छ सचिवालय हिसार पे। ये पक्का मोर्चा, ये जो किसान है देख लीजिए, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, छप्पा छप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, छप्पा छप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लड़ते लोग जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं। तो ये तस्वीरों और सूरत देख लीजिए, पगड़ी समाल जट्टा द्वारा पक्का मोर्चा लगाया 50 दिन से ये लोग यहाँ सड़क पे पड़े हुए हैं और ये लोग लगातार मुआवजे की मांग कर रहे हैं हिसार जिले की। और मेरे साथ खास बातचीत में ये किसान बने हुए हैं, 50 दिन से सड़क पे पड़े हुए हैं भूखे प्यासे, और उनकी छोटी सी मांग है, अगर किसान की फसल बर्बाद हो जाए तो वो खाएगा क्या, उसके बच्चे क्या करेंगे, कैसे शादी होगी बच्चों की, किस तरीके से बनिए का उधार उतारेंगे, किस तरीके से बच्चों की स्कूल की फीस भरी जाएगी। किसान के पास एकमात्र सहारा फसल का होता है और वो फसल इन लोगों की बर्बाद हो चुकी है 20 और 21 की। सर, सबसे पहले आपसे जान लेते हैं, 50 दिन हो चुके हैं आपको यहाँ सड़क पे पड़े, क्या कोई आया सरकार का नुमाइंदा आके चला, आपको आश्वासन दिया किसी ने? देखिए, यहाँ कोई सरकार का नुमाइंदा नहीं आया, उन्होंने आज तक एक बयान भी जारी नहीं किया। जो रिलायंस बीमा कंपनी, जो ये सरकार ले गया भाई किसानों का भला होगा, बीमा क्लेम में जब किसान की फसल बर्बाद होगी तो इनकी सहायता राशि बीमा कंपनी, ये रिलायंस कंपनी, अंबानी अडानी की कंपनियाँ ने भेज दिया और ये किसानों का भला करेगी। लेकिन किसान साथियों की जब नरमा चौपट हो गई 2017 से आज तक, किसान साथियों से इन कंपनियों ने पैसा लूटने का, मोटा पैसा लूटने का काम किया है। और जब पैसे देने की बात आई अब की बार है, जब बीमा क्लेम राशि मोटी बन गई, तो जो बीमा क्लेम दूसरे महीने की 20 तारीख ने बट जाना चाहिए था, जो बजाज कंपनी ने फतेहवाज में बांटने का काम कर दिया, दूसरे महीने की 20 तारीख को फरवरी को बट जाना चाहिए, 23 को बट जाना चाहिए था। मैं मानता हूं सरकार खुद के 2020 के मुआवजे में तो देरी की, जो 2020 का मुआवजा की लड़ाई लड़ लड़ के वो आज तक वितरण करने का काम इस सरकार ने नहीं किया। और जो बीमा कंपनी को इसी सरकार ने जो बढ़ावा देने का काम किया है, और जो किसान साथियों को जो बीमा क्लेम मिल जाना चाहिए था आज तक, जो आज तक 7वें महीने की आज 19 तारीख होगी, आज तक किसानों के खाते में इन कंपनियों ने पैसा डालने का काम नहीं किया और किसानों को गुमराह कर रही है। और बहुत से किसान साथी ऐसे हैं जिनके पैसे वापस खाते में डालने का काम किया है इन्होंने 10वें महीने में 11वें महीने में पैसे, जब इनको पता लग गया दूसरी पिकिंग के दौरान भाई बीमा कले मोटा बनेगा, तब इस कंपनी ने नाटने का काम किया और वापस जो CSC सेंटर से जिन किसान साथियों ने बीमा कराए उनके पैसे वापस करने का इस कंपनी ने काम किया। और सरकार ने आज तक हमारी सूझबूझ नहीं ली, ये अपने आप को, ये अनिल विज अपने आप को खुकार बताने वाला, ये कहता है एक कलम से सारे काम कर दूंगा, मात्र 1 किले की दूरी पर था ये धरना स्थल और यहाँ लघु पछले गेट से आया, यहाँ किसानों ने गेट बंद कर रखा था और पछले गेट से ही चला गया। उसके बाद में देवेंद्र बबली पंचायत मंत्री अपने आप को कहता है किसानों के धरने पर 1 किले की दूरी पर मात्र यहाँ नहीं आया हालचाल पूछने के लिए, भाई कंपनी ने आपके साथ गड़बड़ क्यों की है, उनके ऊपर माले नोटिस देता है। रिलायंस कंपनी पे देवेंद्र बबली, अनिल बेदरी की इतनी ताकत है वो कार्रवाई कर सकते हैं इतनी बड़ी, ये उनकी हिम्मत नहीं है रिलायंस कंपनी के खिलाफ आवाज उठा सके, उनकी इतनी मुख्यमंत्री की मैं समझता हूँ भाई पावर नहीं है अंबानी अडानी के खिलाफ ये आवाज बोल सके, भाई किसानों को जो हक है उनका मिलना चाहिए। आज किसान 46 डिग्री टेम्परेचर के अंदर या इस तंबू के अंदर पशु तक बांधने के इतनी गर्मी में काम नहीं करते, बहुत से किसान साथियों की तबीयत बिगड़नी है। लेकिन हमने तय किया था कि 6वें महीने की 1 तारीख को 5वें महीने की 12 तारीख हमें हजारों किसान साथियाँ ज्ञापन देने भी आए थे, उस दिन ऐलान किया था भैया तो हमारा बीमा क्लेम खाते में आ जाए वरना हम हिसार को टीकरी बॉर्डर बनाने का काम करें। नहीं आया।
नहीं आया तो हमारे छठे महीने की 1 तारीख को हिसार को टिकरी बॉर्डर बनाने का काम किया। हमारी लंगर सेवा, सारी सुविधाएं, हमारे बिस्तर, हम आज हमें घर गए 50 दिन हो गए, हमने घर भी जाने का काम नहीं किया। पक्का मोर्चा इसीलिए लगा के बैठे हैं और ये हमने कह के तय करके बैठे हैं, जब तक बीमा क्लेम एक एक किसान साथी का नहीं आएगा तब तक हमारा पक्का मोर्चा लगा रहेगा और लघु सचिवालय का गेट बंद रहेगा। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। ये रिलायंस कंपनी का कहीं ना कहीं बीमा कंपनी है और उस पर कार्रवाई करेगा कौन? हमें तो लगता नहीं है इन किसानों के कहीं ना कहीं सुनी जाएगी। 50 दिन से घर से बेघर ये वो किसान है, कोरोना काल में साहब बीमारी को भूल के अपनी जान जोखिम में डाल के घर घर अनाज पहुंचाया, घर घर दूध पहुंचाने का काम किया इन लोगों ने, घर घर सब्जी पहुंचाने का काम किया इन लोगों ने और घर घर गैस सिलेंडर हर चीज़ अपने घर से निकाल के पैसे में भी दी, फ्री में भी दी इन लोगों ने। ये वो किसान है तो सभी लोगों का पेट भरता से चीटी से लेके हाथी तक के ये वो किसान आज सड़कों पे पड़ा, इसकी सुनने वाला कोई नहीं है। अरे साहब मांग क्या रहे हैं ये लोग, अपनी हक की चीज मांग रहे हैं। अरे बीमा करवाया था इन लोगों ने और गलती इतनी है, बीमा करवाया तो पैसे दे दीजिए इनके। आप क्यों भाग रहे हैं, किसानों से क्यों छुप रहे हैं? अपनी हक की कमाई पानी में डबो चुके हैं ये लोग। तो साहब बीमा किया तो पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन इतनी बड़ी कंपनी में किसकी बस की बात नहीं है कोई कार्रवाई कर पाए। बाबा एक मिनट आपके पास आता हूँ, क्या नाम आपका? हनुमान है। कहाँ से आते हो? कुलेरी हूँ। कितनी फसल बर्बाद हो चुकी? सारी बर्बाद हो रही है। बाबा कितने दिन से यहाँ पे पड़े हो? पूरा 50 दिन हो गया पड़े। तो घर पे कुछ खाना वाना कुछ बचा हुआ है? लोगों बच्चों की सेवा का कुछ पाल सको उनको, फसल आपके बर्बाद हो चुकी, सड़क पे आप पड़े हो, तो कुछ कमाई का साधन घर पे क्या है आपका? आपका कमाई का किमी कौन ही कर सकती है? है। राम भरोसे गाड़ी? हाँ राम भरोसा चल रही है, राम भरोसे गाड़ी चल रही है, राम भरोसे। खेती तो डूब चुकी पानी? हाँ तो पानी से क्या चल रही खेती घर? हाँ कम चलेगा काम, मजदूरी करा था और के करा पे। दुकान का खर्चा कैसे उतारोगे? परचूनी का कौन उतरा? बच्चों की फीस कैसे दोगे? कौन दिएगा? कौन क्या शादी कैसे करोगे? कौन ये भाई? तो ये वो किसान है, तस्वीर देख लीजिए मेरे साथ लगातार। मैं आपसे जानता हूँ, आपके पास अभी लौटता हूँ। प्रधान जी क्या समस्या विकट है आप ये बता दीजिए, इनसे पूछेंगे, सभी से पूछेंगे। बाबा की आंखों में किसान परेशान हो रहे 50 दिन से भाई, और वाला सरकार कोई सुध नहीं लेती भैया। या गर्मी या बारिश, तने बताऊं बुरा हाल हो रहा है, रात ने खावा है मच्छर आ रहे, तने बताऊं। और सरकार खै खै सो है भाई, है परेशान हो रहे किसान भाई। कोई गलत काम करवा रहे हो सरकार से? नहीं वो मतलब हम पहले में हमने प्रीमियम कटवाया है, राज्यों के प्रीमियम काटे है, बोले कितने किले में आपकी फसल खराब होगी इतनी होगी। हाँ। कोई बहना ले हुआ है बोले गिरदावरी न्यू करांगे न्यू करांगे। हाँ। कोई सब झूठी बात है भाई साहब। कुछ आपको लगता है 50 दिन से पड़े हो कोई सुनेगा आपकी? थोड़ी थोड़ी मानना है। हाँ सुन थोड़ी थोड़ी नजदीक आ चुका है लोकसभा का। हाँ ये इलेक्शन के चक्कर में तो मान सके थोड़ी घनी बादड़ी। तो आपने कोई गलती नहीं, प्रीमियम कटवा रखा है फिर भी आप 50 दिन से यहाँ पे पड़े हो, कोई सुनने वाला नहीं है। ये रिलायंस कंपनी इसलिए डर रही है सरकार, कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही ना? ना ना सरकार की ऋण की ऊपर नीचा सारी एक ही बात है, रिलायंस की ऋण की कौन समझा गया? तो आपका पैसा खा गया कौन सारा? जो रिलायंस सरकार खाएगी जी मिलजुल के सारा। बाबा क्या कहेंगे? हम क्या जी, हम बीमा करवा रखे जी, बीमा मिलने को लाग रहे फसल बर्बाद होगी। कहाँ जाओगे? संतरी से मंत्री तक नाक रगड़ चुके हो आप, अब कोई सहारा बचा है? कहाँ जाओगे? पूरे बैठे रहने पे भगवान एक सहारा। भगवान तो देखो वो किमी हो जाए वरना तो किमी को नहीं। ब्याह शादी करनी, बच्चों की पढ़ाने, दुकान का बीज, कुछ और सामान, घर का कहाँ से कैसे जुगाड़ होगा? वो जुगाड़ तो देखो आप कुकर होगा, सरकार तो देने को लग रही। कितना कर्ज उठा रखे आपने लोगों से? कर्ज कैसे उतारोगे? वो तो जी उतरा जो फसल हो उतरा और कुकर उतरा। फसल पानी में डूब चुकी है? आगे हो जाएगी, आगे हो जाएगी फसल, आगे हो जाएगी। हाँ जी अजीरा में फैक्ट्री रिलायंस बढ़ेगी, कितनी बड़ी फैक्ट्री है जाम नंबर में, कितनी बड़ी फैक्ट्री है, पक्का चोर है ना, कितनी बड़ी फैक्ट्री है अजीरा के अंदर देखो। अजीरा फैक्ट्री कितनी बड़ी, आपकी सुनवाई हुई आपके पता है? कोई सुनवाई नहीं है। आपको लगता है सुनेंगे? नहीं सुनेंगे, चोर है, बड़े गुर्गे हैं, गुर्गे गुर्गे, उन्हें सुनाई नहीं है जी। जी क्या कह रहे थे प्रधान जी आप? नमस्कार जी।
मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ धरने पर बैठने से पहले लगातार 5 महीने हमने तहसीलदार से लेकर कमिश्नर तक ज्ञापन दिया कि किसानों ने बीमा पॉलिसी अपनी कटवाई हुई है और उनका बीमा क्लेम दे नहीं रहे हैं। हमने सबको ज्ञापन दिया लेकिन किसी ने हमारी सुनवाई नहीं की। बार बार हमें आते रहे डीसी साहब के पास, कमिश्नर साहब के पास और जितने भी शहर में जो मंत्री एमएलए एमपी बैठे हैं सबको ज्ञापन दे के आए कि किसानों की सुनो। किसान वैसे ही सड़कों पर बैठा है या किसान बेला थोड़ी है, ये काम करने वाली कौम है, मेहनत कौम है। ये सब कुछ भाई साहब बता चुके हैं, अब आपका क्या रिएक्शन है? किसी ने नहीं सुनी आपकी, 50 दिन से सड़क पर पड़े हो, कई लोग बीमार हो चुके हैं, कई मरते मरते बचे हैं, यहाँ पे काफ़ी खर्चा हो रहा है, यहाँ पे पहले ही किसान मरा बैठा है। बीमा कंपनी पे क्या कार्रवाई होगी, क्या बीमा कंपनी मानेगी लगता है आपको? बीमा कंपनी पे जब तक सरकार दबाव नहीं देगी, जब तक बीमा कंपनी मानने वाली नहीं है, ये लगता सरकार दबाव देगी? सरकार कुछ तो हद, कुछ हद तक, काफ़ी हद तक, यानी 50% तक हमारा मुआवजा बीमा जो है आया है। और लेकिन ये अंडानी अंबानी की कंपनी है, ये सरकार ये चलाते हैं, सरकार इनको नहीं चलाती, तो इनकी नीयत ख़राब है। ये किसानों को पैसा नहीं देना चाहते बीमे का। इन्हें जब पता लग गया ना कि फसल ख़राब होगी किसानों की, उसके बाद में जो बीमा क्लेम इन्हें लिया था पैसा, उतना ही पैसा किसानों को वापस देना शुरू कर दिया, क्योंकि इनको पता लग गया कि किसानों की फसल बर्बाद होगी, पैसा आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। अब आप ये मानो किसी चीज़ का हम बीमा करवा लेते हैं और किसी तरह उसका मान लें वो बंदा चला गया, तो क्या उसका बीमा क्लेम नहीं मिलना चाहिए? हमारी यही तो जायज़ मांग है, और तो कोई मांग तो है ही नहीं, मुआवजा तो हम मांग ही नहीं रहे सरकार से। इनकलाब जिंदाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, रिलायंस कंपनी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। धन्यवाद जी। मुझे प्रधान जी एक बात बताइए, कितने आपके विधानसभा का लफड़ा है, कौन सी जगह का बीमा का ज्यादा लफड़ा है या पूरे हिसार में? देखिए, जहाँ जहाँ रिलायंस कंपनी है उन जगह जो सरकार की भी जो है यहाँ सरसा के अंदर, वह आज 90 दिन से चोपटा के अंदर धरना चल रहा है, हर एक जगह धरना चल रहा है। आप देखते कि हरियाणा में हर जगह धरना, हासी, बरवाड़ा, सभी जगह। ये 2020 का मुआवजा भी हमने यहाँ पक्का मोर्चा लगाने के बाद में 59 करोड़ रुपये सरकार ने दबाव में आके डालने का काम किया, 2020 का 23 में डालने का काम, हिसार का यही चल रहा है, बिल्कुल पूरे हिसार का यही चल रहा है। आपका रिएक्शन क्या है, क्या चाहते हो, क्या करने वाले हो, चुनाव आ चुका है? देखो, हमारी जो ये पॉलिसी बार बार गलत नीतियां लेके ये सरकार लेके आने का काम कर रही है, और सरकार किसानों को बार बार तोड़ने का जो काम कर रही है और जबरदस्ती थोपने का काम कर रही है, जैसे यूरिया के साथ में नैनो यूरिया, और अब पंजीकरण करवाएंगे तो यूरिया देंगे, और हमारे दाने बेचने के लिए मार्केट में जाते हैं तो मैं मानता हूँ भी हमारी अगर जमीन बेचनी पड़े तो एक आधार कार्ड काफ़ी है, अगर हमारे दाने बेचने पड़े तो 10 मेड़ के कागज चाहिए, पटवारी गिरदावरी लिया, वह फैमिली आईडी लिया, आधार कार्ड लिया, इनका टोकन कटवा, एक साधारण किसान आपके दाने कौन बेच सके? और वो भी हमने पक्का मोर्चा लगा के आदमपुर के में सरसों एक दिन बिकवाण का काम करया। मुझे यह बताइए, कितना मुआवजा कितनी साल का और अटका हुआ है जब यहाँ से खड़े होंगे आप? क्या बोले जी, कितना मुआवजा अटका हुआ, लगभग कितने करोड़ का, कितनी साल का अटका हुआ है? देखो, कम से कम हमारे मोर्चा लगाने के बाद में इन्होंने 312 करोड़ रुपये डाले हैं, और हमारे 150 से 200 करोड़ रुपए और बाकी है किसान साथियों के। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ से धरना स्थगित कर देंगे? स्थगित तो सभी किसान साथियों के खाते में आएंगे तभी तो करेंगे। 200 करोड़ रुपए आने के बाद? हाँ, यानी कि 200 करोड़ बिल्कुल हमारे हर किसान साथी के पैसे में, अगर जो खाते में पैसा आ जाएगा ये कंपनियाँ डाल देगी, उसके बाद हम घर जाने का काम करेंगे। उससे पहले क्या रिएक्शन, अगर नहीं आया तो? देखिए, नहीं आया तो उसके बाद में 5 तारीख की हमारी बड़ी कॉल थी लघु सचिवालय के, तीनों गेट बंद करेंगे, लेकिन प्रशासन ने हमसे विनती की, किसान हमेशा बातचीत के लिए तैयार रहता है, हमसे 1 हफ्ते का टाइम मांगा गया और हमने 10 दिन का टाइम दिया उनको, और 10 दिन का टाइम देने के बाद में आज 15 दिन हो गए, और प्रशासन उसके बाद में बातचीत भी नहीं की, क्योंकि वह बातचीत वहीं पर खड़ी है। हम सरकार को चेताना चाहते हैं, अगर हम बार बार प्रशासन को भी कह दिया, 5-6 दौर की मीटिंग हमारी हो चुकी है, अब की बार अगर जे को ठोस निर्णय, अगर जो हमारा फैसला नहीं हुआ या न खाते में पैसे नहीं डाले, हमने अगर जो फैसला कोई ले लिया उसके बाद में वो फैसला वापिस नहीं होगा, पूर्ण रूप से हम लागू करने का काम करेंगे। तो मेरे साथ तमाम यहाँ किसान बने हुए हिसार लघु सचिवालय के सामने 50 दिन से सड़कों पे पड़े हुए, मांग सिर्फ इतनी है, हमारे फसल का मुआवजा दे दीजिए साहब,
इन्होंने तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वो तारीख जाने कब आएगी किसान की कि खुशी खुशी ये घर जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इतना पक्का है लोकसभा चुनाव की घंटी बज चुकी है और साहब अटकलों का बाजार गर्म है और सुनने में आ रहा है दोनों सीटें भिवानी और हिसार की जेजेपी पार्टी के खाते में डाल चुकी है बीजेपी और 8 सीटों पे बीजेपी चुनाव लड़ेगी। साहब चुनाव बिल्कुल सिर पे है, आपका रिएक्शन क्या रहेगा अगर मुआवजा नहीं मिला तो? देखिए हम वो 750 किसानों की शहादत नहीं मिली जो जेजेपी और बीजेपी सरकार ने हम वो किसानों की शहादत भूल नहीं सकते। हमने हमारे बेटे खोए, हमारे भाई खोए हैं, हमारे बुजुर्ग खोए हैं और आज भी हम परेशान हैं। ऐसी सरकार से हमें गिन आती है जो खुद की रोटियां सेकने का काम करती है, जब किसानों की बात आती है ये यही सेक्टर में इनकी कोठियां। दुष्यंत के घर भी हम गए थे, हजारों किसान साथी, एन सीकर दोपहरी 46 डिग्री टेम्परेचर के अंदर, लेकिन खुद नहीं मिला। SID के माध्यम से रिपोर्ट थी भाई, हजारों किसान साथी आपके दरवाजे पर, हमारा चाय पानी का प्रोग्राम भी नहीं था। ये कहते हैं, एक तरफ तो कहते हैं 24 घंटे किसानों के लिए हमारे दरवाजे खुले रहेंगे, लेकिन जिन किस इन JJP और BJP के विधायकों के घर हम गए वहाँ कहे तो चौकीदार मिला, कह हमें कोई ड्राइवर मिला, कह ताला लगा मिला, ये हम भूल नहीं सकते। इनको 2024 में याद दिलवाने का काम हम जरूर करेंगे। मेरे साथ एक किसान यहाँ और बने हैं, पगड़ी समाज जट्टा द्वारा पक्का मोर्चा लगाया है 50 दिन से, जी क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी, 9 मई 27 तारीख को हमारी मीटिंग हुई थी DC साहब से, उसमें DC साहब ने आश्वासन दिया था अगर तुम्हारे जो 27,000 रिवट लगे हुए हैं अगर उनको ठीक नहीं कराया तो जो बीमा कंपनियां जिले लेवल का अधिकारी है रिलायंस का शेखर, मैं इसको अंदर कर दूंगा। मगर उस 27 तारीख के बाद हमारे को शेखर ही नहीं दिखाई दिया, बीमा कंपनी तो कभी की भागी हुई है किसान से। 27,000 फार्म का क्या किया? उनको रिवर्ट कर रखा है किसानों के, वो मतलब कैंसिल, हाँ उन 27,000 कुछ फार्मों के 150 करोड़ रुपए बैठते जो किसान के खाते से 1,800 रुपए पर किलो के हिसाब से काट रखे हैं और इन्होंने टोटल 7,500 रुपए पर एकड़ से सरकार और किसान से ले रखा है। जब किसान से ले हुई पूंजी 150 करोड़ बैठती है तो सरकार द्वारा ले हुई पूंजी 600 करोड़ बैठती है, तो उस फार्म का क्या होगा उनके बारे में? ये रिवर्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि 31/8 तक ये उनके भी मांग सकते थे। हाँ उनकी मांग हम कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि वो फार्म चंडीगढ़ गए हुए हैं और चंडीगढ़ है उनकी वेरीफाई चल रही है, लेकिन DC साहब ने कहा कि हमने कहा कि उसकी वेरीफाई की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 31/8 के बाद आप गिरदावरी नहीं मांग सकते, लेकिन इन्होंने कहा कि चलो हम गिरदावरी इनके कंपनी वालों को पूरी करके दे देते हैं और आपके फार्म ठीक हो जाएंगे, लेकिन आज तक भी वो मतलब रिवर्ट करने लग रहे हैं, वो यानी कि किसानों का पैसा वापस खातों में डालने का काम करें। क्या कहेंगे जी, बोलो। आप भी किसान हैं, किसान के बेटे हैं, जमींदारे से आते हैं, गांव से आते हैं, गांव की जिंदगी का पता, मोटा खाना मोटा पहनना। अब किसान दो मुंह पे खड़े हैं, करो या मरो, इधर काई इधर कुआ, सरकार पैसा नहीं दे रही मुआवजा का, ये पैसा भर चुके हैं 50 दिन से सड़क पर पड़े हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। जो ये करा लिए नहीं करंटी ट्रेड कार्ड तक कर्जा दे हुए हैं, बीमा तो सारा खेत का कर दे, उसे टाइम कर्जा लिखते हैं और वो धंधे सही नहीं जी। देखिए सरकार फिलहाल जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा के लिए जो प्रोत्साहन राशि दे रही है 100 रुपये, ये एक बहुत किसानों के साथ बहुत भद्दा मजाक कर रही है। दूसरा, जिन किसान साथियों ने KCC बनवाया हुआ है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का प्रीमियम मतलब बीमा कटने के लिए सरकार ने गाइडलाइन जारी करी है। हम और हमारे जैसे हरियाणा में प्रदेश में और भी साथी हैं जिन्होंने लोन नहीं ले रखा, उनको लिए आज जो है सरकार ने पोर्टल बंद कर रखा है। सरकार जबरदस्ती किसान को जो है ना लोन लेने के लिए बाधित कर रही है, जो कि सरकार की एक बहुत बड़ी मूर्खता होगी, बहुत बड़ी नाकामी होगी। ये हरियाणा का किसान कुछ बचा हुआ है अगर लोन लेने से तो वो इस कंडीशन में बैंक में जाके गुठा टेकने के लिए बाध्य उसको मजबूर होना पड़ेगा, जो कि एक बहुत बड़ा गलत स्टेप है सरकार का। ये बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को, धन्यवाद। मेरे साथ ये तमाम किसान बने हुए थे और हम भी आशा करते हैं सरकार से कि बहुत जल्दी इनके खाते में 200 करोड़ रुपया बकाया वो डाल दे, ये खुशी खुशी अपने घर चले जाएं और आने वाले समय इनके लिए भी अच्छा होगा, सरकार के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि चुनाव का समय आ चुका है, चुनाव की घंटी बज चुकी है, तो कहीं ऐसा ना हो कि इस सरकार को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़े। इससे पहले अगर सरकार चेत जाती है तो सरकार के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ये किसानों ने कहा है। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय।